देख रहे हैं क्राइम ब्यूरो न्यूज। मौशरे की खामियां को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम ब्यूरो न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद जलपल्ली कुबा कॉलोनी में आज एक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें खुसूसी मेहमान के तौर पर टीआरएस सीनियर लीडर के मनोहर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स की मौजूदगी में ये हेल्थ कैंप अमल में आया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने चेकअप करवाया। एमए हमीद के साथ मैं एमएस अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हेल्थ कैंप, फ्री हेल्थ कैंप लगा है, बड़ा इधर ये हेल्थ कैंप में पूरा अपना मुसलमान भाइयों बहनों सब लोग इसमें आके हेल्थ चेकअप करके जो भी उसको टैबलेट्स है टैबलेट्स भी डॉक्टर्स लोग दे रहे हैं, और ऑपरेशन है तो भी आरोग्य श्री का कार्ड से उन लोगों को फ्री में ऑपरेशन भी करने के लिए देख रहा है, और किसी को भी आरोग्य श्री कार्ड नहीं है तो भी अपना सीएम रिलीफ फंड भी दिलाने का हम लोगों को मौका है। हम लोग साथ रह के लोग दिलाने का चक्कर भी हम देते हैं, क्योंकि गरीब लोग बहुत यहाँ पे मुसलमान एरिया में बहुत अपना जेलपल्ली म्यूनसिपाली में बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे, इन लोग जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाने का भी ताकत उतना नहीं है, लोग इधर अपना एरिया में है, तो इसीलिए इधर फ्री हेल्थ कैंप लगा के अपना सब लोगों का हेल्थ अच्छा रहना बोल के एक बात के हम पूरा अपना टीआरएस लीडर्स भी इधर अपना भरोस भाई और मजहर भाई और अपना अनवर सब लोग यहाँ पे बड़ा सब लोग को पब्लिसिटी करके कम से कम सुबह से अब तक 500 से 1000 आदमी को आज हेल्थ चेकअप हुआ इधर। सब लोग अच्छा रहना, अपना केसीआर गवर्नमेंट भी अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं अपना गवर्नमेंट भी। अभी घर में किसी का भी घर में शादी हुए तो 75,000 रुपये अपना गवर्नमेंट शादी मुबारक से दे रहा है, और जो भी बच्चा पैदा होता ही केसीआर किट बोल के 12,000 रुपये का किट दे रहे हैं। सो गवर्नमेंट आज अपना गवर्नमेंट है, और आज अभी कमिश्नर साहब से भी बात हुआ, 4 करोड़ रुपये अभी अपना को रिलीज हुआ अपना टीआरएस गवर्नमेंट से, 4 करोड़ रुपये का काम अभी शुरू होने का मौका भी है। अभी एक 1.5 महीने में हर एक घर में पानी का भी आपका तकलीफ पूरा निकल जा रहा है, पर हर एक घर में मीठा पानी आ रहा है अभी 1.5 महीने में, और लाइटों का काम और ड्रेनेज का काम भी आज बहुत तेज से यहाँ पे चल रहा है। आपका साथ हम यहाँ पे हर एक बस्ती में फिर के हर एक काम पे हम आपका केसीआर गवर्नमेंट जो भी स्कीम दे रहा सबको बता के हर एक आदमी को अपना केसीआर का अपना टीआरएस गवर्नमेंट जो स्कीम दे रहा वो हर एक घर को मुझे ऐसा अपन करेंगे बोलके आपको बात दे रहा है। और एक बात, अभी परसों भी म्यूनसिपल जलपल्ली म्यूनसिपाली नहीं होना बोल के कांग्रेस लोग पाड़ी शरीफ एरिया में पाड़ी शरीफ का जो ग्राम पंचायती करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है। ग्राम पंचायती है तो 50 साल से अभी तक हमारा अपना एरिया पूरा ग्राम पंचायत था, आज क्या डेवलपमेंट हुआ ग्राम पंचायत में बोले तो कुछ भी, 10 रुपये का काम भी नहीं हुआ, वैसा काम अपनी गवर्नमेंट अपना ग्राम पंचायती का वो है। अभी ग्राम पंचायत सब पब्लिक भी बोल रहा है हमारा को ग्राम पंचायत नहीं चाहिए, हमारा को म्यूनसिपाली रहे तो ही अपना एरिया पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा बोल के सब लोग अपना लोग भी अपना यहाँ का पूरा जलपल्ली म्यूनसिपाली सब लोग बोल रहा हमारा को ग्राम पंचायती नहीं होना म्यूनसिपाली रहना बोल के सब लोग बोल रहा है। म्यूनसिपाली है तो ही अपना डेवलपमेंट अभी क्यों होता है, क्योंकि अपना गवर्नमेंट आके अभी 3 साल हुआ बस, 3 साल 50 साल से नहीं हुआ सर काम, अभी 3 साल से अपना काम हो रहा है। अभी आगे दिनों में अच्छा एरिया अपना बनाने का जिम्मेदारी अपना मुख्यमंत्री केसीआर ने ले रहा है, और अपना म्यूनसिपल मिनिस्टर भी बहुत यंग एंड डायनामिक है, केटीआर साहब भी बहुत अच्छा काम करके अपना एरिया को पूरा प्रॉब्लम्स नहीं है नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा पूरा देखेंगे देखता है बल्कि आपको बोल रहा है। ये ड्रेनेज का काम कब से शुरू होगा सर? ड्रेनेज का काम भी अभी बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोगों का वो प्रॉब्लम है, परसों भी अपना एरिया में शामिल है। हेल्थ कैंप से ज्यादा आप लोग ड्रेनेज के ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि उसकी तरफ से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ड्रेनेज का काम भी जितना जल्द हुआ उतना जल्दी से आपको काम पूरा कराने का काम भी हम देख रहा है, और कांग्रेस गवर्नमेंट 50 साल से काम नहीं करा, और अभी गए लास्ट इलेक्शन में 2009 में भी अपना मुसलमान वोटर से जीत के सविता इंदिरा रेड्डी ने क्या काम करा बोल के मैं यहाँ पे पूछ रहा है, 10 रुपये का काम भी नहीं करा ऐसा है। आज पादा यात्रा करके पाड़ी शरीफ से हेराकुंडा तक पादा यात्रा करके एक महीने पहले वन मंथ पहले पादा यात्रा करके चले घर को चले गए, पादा यात्रा करे तो क्या काम होता है, क्या कोई भी काम हुआ अभी तक? कोई भी कुछ भी काम ही नहीं हुआ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट अभी तो अब 50 साल का जो चलाया आपको बहुत बहुत लोग
बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, मगर आप लोग कुछ भी काम नहीं करा। अपना टीआरएस गवर्नमेंट आया अभी 3 साल से, बहुत बहुत अपना काम हो रहा है और आगे भी अच्छा अच्छा काम करके अपन सामने चलने के लिए सब लोग अपना हरेक अभी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हरेक घर में अपना टीआरएस का झंडा उड़ा के अपन का काम अपन पूरा कर लेंगे बोल के आपको मैं बात दे रहा हूँ। अपना साथ आपको लग रहा सच की तलाश का नाम क्राइम पीडी न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।